कलम गवाह है में आज मुलाकात जाने माने लेखक और वरिष्ठ संपादक प्रेम शंकर झा से। पत्रकारिता में आधी सदी का सफर पूरा करने वाले प्रेम शंकर झा का जन्म 22 दिसंबर 1938 को पटना में हुआ। पिता प्रेम शंकर झा विदेश सेवा में थे और मां श्रीमती लक्ष्मी झा गृहिणी थीं। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और देहरादून के दून स्कूल से हुई। सेंट स्टीवन कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद प्रेम शंकर झा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहां से मास्टर्स डिग्री हासिल की। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने करीब 5 साल बिताए। अभी वो यूएन के लिए काम ही कर रहे थे कि उन्हें द हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने 1966 में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तान टाइम्स में करीब 3 साल बिताने के बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गए, जहां से उन्होंने 1986 में विदा ली। हालांकि इस बीच करीब 1.25 साल वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर रहे, लेकिन 1981 में वो फिर से टाइम्स ग्रुप में आ गए। 1986 में प्रेम शंकर झा ने एक बार फिर हिंदुस्तान टाइम्स का रुख किया, लेकिन इस बार प्रमुख संपादक के तौर पर। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्हें प्रधानमंत्री का सूचना सलाहकार बनने का मौका मिला। उनमें ये एक रिचनेस है, एक ताकत है कि जो भी कुछ हम कहें लिखें वो कल के तारीख में भी रेलिवेंट हो। एक अर्थशास्त्री और संपादक के तौर पर प्रेम शंकर झा ने दुनिया भर की घटनाओं को करीब से देखा और उन्हें किताबों के रूप में पेश किया। उन्होंने अब तक करीब 14 किताबें लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ स्टैग्नेशन, कश्मीर 1947, क्राउचिंग ड्रैगन हिडन टाइगर, कैन चाइना एंड इंडिया डोमिनेट द वेस्ट और द एंड ऑफ सद्दाम हुसैन। प्रेम शंकर झा के विभिन्न विषयों पर लिखे लेख आज भी प्रमुख अखबारों में छपते हैं। आइए देखते हैं प्रेम शंकर झा से बातचीत का पहला भाग। बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ संपादक आलोक मेहता। जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। और मैं बात इसी शुरू करना चाहता हूँ कि आप जिस समय एक तरह से बड़ी चुनौती थी यूनाइटेड नेशंस में, यूएनडीपी में आपने काम किया और फिर भारत आकर सीधे अखबार में, तो वो उस समय जिस तरह का दौर था, मिसेस गांधी, वो भी ट्रांजिट पीरियड कहना चाहिए कि मिसेस गांधी पावर में आई, उस तरह का एक माहौल, नए तरह का माहौल, मोरारजी भाई देश में एक तरह से कि पूरी स्थायी सरकार भी नहीं है, और हिंदुस्तान टाइम्स भी बड़ा अखबार उस समय का था, दिल्ली का था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक तरह से पीछे था, तो उस समय आपको किस तरह का एडिटोरियल आपको लिखना या कुछ और उस तरह के कमेंट्स या अपनी खुद भी रिपोर्टिंग करने के मौके मिले? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। असल में हमारी जो एग्रीमेंट हो गई थी वो 1965 में हुई थी जी। वो मिसेस गांधी उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वॉर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ नहीं था, वो दुनिया दूसरी ही दुनिया थी, बॉर्डर खुला था, लोग आते जाते रहते थे उस वक्त, और यहाँ शांति थी। सिर्फ वो उस वक्त वो पहला भूख अकाल होने जो होने वाला था, जो कि अमेरिकन्स ने हमें बचाया, वो हुआ नहीं था। जब तक मैं लौटा 66 में, क्योंकि मुझे अपना यूएन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके आना पड़ा, उस वक्त तक ये ड्राउट हो गए थे, अकाल पड़ गए थे, और एक जंग हो गई थी, शास्त्री जी मर गए थे और मिसेस गांधी आ गई थी, सब कुछ बदल गया, और हमारी डिवेल्यूएशन हो गई थी रुपये की, इन्फ्लेशन 30% पे चल रहा था, और जिस दिन मैं आया उस दिन यहाँ पे बीजेपी ने अपने सबसे पहला गोइंग ऑन द ऑफेंसिव एंड बैन काउ स्लॉटर में उन्होंने स्टूडेंट्स को निकाला था और पार्लियामेंट स्ट्रीट पे इन पे पुलिस फायरिंग साधु लोगों पर, साधुओं का लाया था, स्टूडेंट्स से साधु दोनों को कई थे पर, और वो उन्होंने तीन लोग मारे गए थे, पहली दफ़ा दिल्ली में 3 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, वो मेरे आने के 2 दिन बाद हुआ। और माई फर्स्ट एडिटोरियल जो मैंने लिखा, इट वॉज ऑन स्टूडेंट अनरेस्ट एंड वाई क्यों ये इसमें शामिल हो रहे हैं, और मैंने इनकी इकोनॉमिक कॉजेज निकाले थे उस वक्त। अच्छा। और उसी तरह से आप देखिए उस समय हिंदी और हिंदी आंदोलन भी उसी समय में हुआ,
वो जनवरी 66 में हुआ। हाँ। जी, तो जिस तरह से उस समय की पत्रकारिता का सीन कैसा था, मतलब आपको? देखिए, उस वक्त हम लोग सिर्फ नेशनल इश्यूज पे लिखते थे। जी। अब छोटी चीज़ों में वो सिटी पेज बड़ा बोरिंग होता था, देर वॉज नो पेज थ्री, नथिंग। इट वॉज अ टेरिबली सीरियस और काफ़ी एक तरीके से आम लोगों के लिए तो काफ़ी डल पेपर था। जी। पर उस वक्त हिंदुस्तान में ये एक ये आइडिया कि हमारा मुल्क हमें इसे बनाना है, जो एकता जो थी लोगों में वो बहुत ही तगड़ी थी, और मैंने देखा कि वो बिल्कुल बिखर गया। मुलगांवकर साहब के समय में भी जो फ्रीडम हिंदुस्तान टाइम्स में, चूँकि एक तरफ परंपरा थी देवदास गांधी वाली, फिर बिरला भी उस समय तक, वो भी उनकी एम्बिशन की, वो बाद में दूसरी पार्टी में गए, उनका स्वतंत्र पार्टी वाले विचार भी उनके थे, कुछ एक पूंजीपति वाले विचार भी थे, तो उस सब का कुछ मुलगांवकर साहब पर असर दिखता था? उस वक्त मुलगांवकर पर कोई भी ज़रा भी असर नहीं होता था, वो किसी को सुनते नहीं थे। वहाँ एक जनरल मैनेजर थे शाही साहब, उन पर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था बिरला जी, के बिरला जी पर। जी डी बिरला तो उसी वक्त हाल ही में वो अपने आप को दूर कर लिए थे, और के बिरला जी जी डी बिरला नहीं थे, शरीफ थे, बहुत जेंटल, बड़े लाइकेबल आदमी थे, पर जो उनमें जो हिम्मत जो थी, जो जी डी बिरला ने, वो बंगाल के रेवोल्यूशन मूवमेंट में थे, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, और एक दिन जहाँ पर वो थे, जहाँ मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे पुलिसों ने छापा मारा, सबको अरेस्ट किया। बिरला साहब ने वो इट वॉज़ अ प्रिंटिंग वर्कशॉप, उन्होंने एक कागज़ का बंडल उठाया और ऐसे उठा के जैसे कूली जैसा बाहर निकल गए। अच्छा। अंग्रेज़ जो भी कुछ ले जाता था या जैसे कुछ कैरी कर रहे हैं, सोचते थे ये कूली है, उसके बारे सोचे तक नहीं, और लोग अरेस्ट हो गए, बिरला जी निकल गए। वो वैसे आदमी थे, वो तो अलग तरह का ट्रेडिशन, ऐसे लोग और नहीं मिलेंगे। के बिर जी बहुत शरीफ जेंटल थे, उन पर बहुत प्रेशर पड़ता था, और पर वो मुलगांवकर के साथ कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जब आप संपादक बने तब तो बड़ा, जो जितनी रिपोर्ट हम लोगों ने उस समय, हम खुद भी गवाह हैं कि क्या ऐसा बने कांग्रेस का प्रेशर, क्योंकि आप तो तब कुछ ही महीने हुए थे और उन्होंने शुरू कर दिया कि आप वीपी सिंह के खिलाफ छापे। अरे पहले दिन, कुछ ही महीने नहीं, 86-87 की। पहले तो आपने दो प्रश्न पूछे, मैं आपको दोनों संक्षिप्त में कह देता हूँ। पहले वो कैसे माहौल कैसे बदल गया था, 1966 में कांग्रेस बिल्कुल डोमिनेंट थी, 67 इलेक्शन में पहला धक्का उनको मिला था, वो भी कोई खास बड़ा धक्का नहीं था, फिर भी वो धक्के से कांग्रेस टूट गई। पर वो कांग्रेस टूटी भी नहीं थी, मिसेस गांधी नई आई थी, हाँ, वो शी इज़ फीलिंग हर वे, और शांति थी पार्टी में, उन्हें ये महसूस होता ही नहीं था कि हम कभी पावर से निकलेंगे या कि लोग हमसे रूट के किसी और को वोट देंगे, उस वक्त तक हुआ नहीं था। तो एक जेनरोसिटी होता है, वो बहुत खुश थे कि अखबार इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अखबार से उनको व्यूज़ मिलते थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था, क्योंकि वो फिर पॉलिसी में डालते थे, तो हम उनके साथ एक तरीके से, हमारा जो रिलेशनशिप जर्नलिज्म का था विद द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस डेज, इट वाज अ रिलेशनशिप ऑफ सिम्बायोसिस, दे ट्रस्टेड अस, वी ट्रस्टेड द गवर्नमेंट। वो मामला बहुत जल्दी बिखर गया, बट जब तक मैं 86 में आया, ये ख़त्म हो गया था। कांग्रेस की वोट हटी जा रही थी, इमरजेंसी हुआ था, मैंने अब, और 37% उनका वोट रह गया था उस वक्त, और वो जो जैसे वो बाहर जाने का वीकनिंग हुआ, उतना वो तनाव उनमें अंदर में बढ़ता गया। दूसरी बात थी कि वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द बैन ऑन कंपनी डोनेशंस वाज कि क्रिमिनल सोर्सेज से मनी आने लगे। तब 1972 और 71 में सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शंस अलग हो गए, तो उसका मतलब हुआ कि द कॉस्ट ऑफ फाइटिंग डेमोक्रेसी और मेंटेनिंग डेमोक्रेसी डबल्ड ओवरनाइट। इसके लिए मनी यू हैड टू रेज ट्वाइस एज मच मनी एज बिफोर, और इसके लिए सिमल्टेनियसली उन्होंने कंपनी डोनेशन बैन कर दिए थे और स्टेट फंडिंग नहीं किया था, तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई थी। तो इसके सामने एडिटोरियल इंडिपेंडेंस कैसे खड़ा होता, आप बताइए। नहीं तो 87 में जब आप आए फिर एक वापस संपादक बन करके, तब क्या प्रेशर रहा कि वीपी सिंह पर ही स्टोरी इस तरह की आनी चाहिए, जिससे वीपी सिंह वाली तो बाद में हुई। पहले दिन जब मैं आया
उस दिन एक बस जा रही थी जालंधर से नकोदर, उसमें से हिंदुओं को निकाल के सबको मार डाला गया था। ये खालिस्तान मूवमेंट का वायलेंट फेज उस दिन 1 दिसंबर 1986 को शुरू हुआ। मैं आया ही था कि मुझे फर्स्ट एडिटोरियल लिखना पड़ा। उस एडिटोरियल में मैंने कहा कि इस पंजाब को कंट्रोल बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि बगल में पाकिस्तान है, ये बॉर्डर स्टेट है। सेकेंडली, अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ अकालियों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि दे कंट्रोल द सिख वोट, और वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आपको इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन स्टेट को बचाना है। आप पोलिटिकल पार्टी की लड़ाई को छोड़िए और इनके साथ काम कीजिए। उसके दूसरे ही दिन बिरला साहब के यहाँ 7:30 बजे सुबह से फ़ोन आने शुरू हो गए, ये किस पागल को आपने ले आके लगा रखा है, ये तो आपका अखबार को हिंदुस्तान टाइम्स से खालिस्तान टाइम्स बनाने वाला है, इसको निकालिए। तो 3 दिन बाद नरेश मोहन जी मेरे पास आए, कहे कि प्रेम जी, ये आपने क्या लिख दिया, ये तो बड़े खफा हैं माने कांग्रेस वाले, बहुत दबाव पड़ रही है बिरला जी पे। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, बात तो ठीक ही मैंने लिखा होगा। हाँ, ये कहते हैं प्रेम जी ज़रा आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए इस बच्चियों के बारे में। मैंने कहा देखिए ये नहीं हो सकता है, मैं आपसे कंसल्ट नहीं करूँगा, और ये हमारा काम है, आप मुझे करने दीजिए। हाँ, अगर आप खुश नहीं हैं तो जब भी आप चाहें मैं रिज़ाइन करके जाने को तैयार हूँ। मैंने कह दिया उनको। एक दफ़ा और भी वो आए मेरे पास, तो मैं थक गया था, वह काम बहुत, मैं 14 घंटे काम करता था वहाँ पे। अब वो मैंने कहा कि देखिए, सुन लिया मैंने एक लाइन का रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया, मैंने उनको दिया, कह दिया कि आप अपने जेब में रखिए, जब आप खुश नहीं हैं मुझे कह दीजिए, मैं चला जाऊँगा, पर जब तक मैं हूँ मुझे अखबार अपने तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं करूँगा। मैं जो दूसरी दफ़ा ये हुआ था, मैं क्यों हुआ था मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने पटवंत सिंह को कॉलम दिया लिखने को, अमरिंदर सिंह ने लिखा, और आग लग गई वहाँ पे। एक साहब शख्स हुआ करते थे मखनलाल फुर्तेदार, हाँ, उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया कृष्णकांत जी पे। तो ये ऐसे चल रहा था, एक पर एक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। अब लॉन्ग रन में क्या हुआ, राजीव गांधी ने क्या किया, वही चीज़ किया ना, राजीव लोंगोवाल पैक्ट किया। गुजराल साहब मॉस्को से लौटे, उन्होंने करवाया, उसी से वहाँ खालिस्तान मूवमेंट ख़त्म हुआ। मैं 5 साल पहले कह रहा था, और कांग्रेस मेरे पीछे पड़े हुए थे, क्यों, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो भिंडरन वाले को खड़ा किया था अकालियों को तोड़ने के लिए। अब जो अपना जो अपने अपने चिड़िया जो अपने हाथ में था, वो आपको चोंच से मार के पेड़ से निकल गई थी। तो एक दूसरा एक्सपीरियंस आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जैसे आपने कहा ना हिंदुस्तान तो बाद में आए, बीच में फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट भी दो पीढ़ी एक तरह से करना चाहिए, कि अशोक शांति प्रसाद जैन, अशोक जैन, बल्कि थर्ड जनरेशन। वो जो 6 महीने जो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, ये तो पहला ही कॉन्फ्लिक्ट था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था ओवर बोफर्स। मैंने राजीव गांधी को 100% सपोर्ट किया कि जो ये कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको एक्सप्लेन करने का पूरा टाइम देना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं कि इनको निकालो निकालो निकालो, जो हाहाकार मचने लगा था, ये हो नहीं सकता है। इसमें कश्मीर वाली प्रॉब्लम भी शुरू हुई। मैंने कहा किसी हालत में भी आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जोड़ा गठबंधन ना करवाइए, अगर कीजिएगा तो कश्मीर में जो एथनिक कश्मीरियत का जो एथनिक पोल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो ख़त्म हो जाएगा। उस पे भी मुझ पे झाड़ पड़ा, जो भी चीज़ें मैं लिखता था कष्ट हो गया। हाँ, एक और था, ये आपको दर्शन सिंह रागी, उन्होंने कोशिश किया ये अकाली खालसा लोगों को उनको बुला के इकट्ठा रॉ वाले से बात करके कुछ सेटलमेंट करने का। जिस दिन वो आए, अवतार सिंह ब्रह्मा और ये सब चार जो बिगेस्ट टेररिस्ट लीडर्स थे वहाँ पे, बूटा सिंह ने यहाँ से कह दिया दैट दिस हैज़ नो बैकिंग ऑफ दिस, एक तो मीटिंग अनाउंस कर दिया और दूसरा कहा कि दिस हैज़ नो बैकिंग, दिस इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव, नो बैकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। हालांकि उनको रॉ प्लेन में लाया गया था। वो जब पहुँचे, देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे ड्रेस एक्सेट्रा, दे स्मेल्ट, दे थॉट दैट दर्शन सिंह रागी
हैड बिट्रेड देम, वो वहाँ से निकल गया, कुछ हुआ नहीं, और दर्शन सिंह रागी पर इतने थ्रेट्स आने लगे कि 2 महीने में वो अकाल तख्त छोड़ के अपने फार्म में गए। वहाँ पर पूरे इंसर्जेंसी के टाइम में 300 लोगों का डिटैचमेंट उनको, मेरे पुलिस डिटैचमेंट को बचा के रखा, वो भी ख़त्म कर दिया। ये सब ऐसा चल रहा था, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पूरा मिल रहा था क्योंकि मैं अकालियों के साथ बात कर रहा था। तो अब मानी जी, एडिटर भी आप अपने को ज़मीन से जुड़ा रखते थे कि असली सच्चाई क्या है उन तथ्यों के आधार पर। नहीं तो एडिटर बनने का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस 1.25 साल करने के बाद वहाँ पे वहाँ उनके पास पैसे नहीं थे, वो गड़ा उनका दम टूट रहा था। वो केसेस के खिलाफ रामनाथ गोयनका जी के हो गए थे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बैंक से बंद कर दिया, तो वो बाहर से पैसे ला रहे थे चलाने के लिए। प्रेम शंकर झा को पत्रकारिता में लाने का श्रेय जाने माने वरिष्ठ संपादक एस मुलगांवकर को जाता है। 1966 में जब मुलगांवकर के कहने पर प्रेम शंकर झा ने द हिंदुस्तान टाइम्स में बतौर सह संपादक काम करना शुरू किया तो उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया। हिदायत साफ थी, काम पसंद नहीं आया तो नौकरी गई। लेकिन प्रेम शंकर झा का दिल्ली में छात्र संघर्ष के आर्थिक पहलुओं पर लिखा गया पहला लेख ही काफी सराहा गया। इन्हीं 6 महीनों के दौरान उन्हें बिहार में सूखे की स्थिति पर लिखने को कहा गया, जिसके लिए उन्होंने पहली बार खुद जाकर स्थिति को देखा और लिखा। इसके बाद तो नौकरी पक्की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद उनका हिंदुस्तान टाइम्स से मोह भंग हो गया और वो द टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गए। यहाँ 2 पारियों में उन्होंने 1986 तक काम किया। अखबार में उनके लेख अधिकतर आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों के आर्थिक पहलुओं पर रहते थे, लेकिन 1981 के बाद उन्होंने पंजाब समस्या जैसे विशुद्ध राजनीतिक मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया था। उनके राइटिंग में, सोच में और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग में थी जो जिसने मैं मानता हूँ कि वो आज के तारीख में बहुत ही कम लोगों में इस तरह की एबिलिटी है। वो ग्रास रूट की प्रैग्मेटिज्म को, ग्रास रूट की रियलिटी को ब्लेंड करके अपने व्यूज़ के आधार पर ये कल के तारीख में के लिए लिखते थे। प्रेम शंकर झा करीब 1.25 साल के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे। वहाँ भी उन्होंने सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद की और मद्रास एडिशन भी लॉन्च किया, लेकिन चुनौतियों के अभाव ने उन्हें एक बार फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। 1986 में हिंदुस्तान टाइम्स में वो बतौर एडिटर गए, लेकिन माहौल में अपने आप को ढाल ना सके। इसी बीच धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस ऑब्जर्वर लॉन्च करने के लिए प्रेम शंकर झा को बुलाया। झा ने यहाँ 60 लोगों की टीम भी खड़ी कर ली, लेकिन मैनेजमेंट के रवैये से परेशान होकर लॉन्च से पहले ही उन्होंने पेपर से विदा ले ली। आजकल वो एक स्तंभकार हैं जो विश्व राजनीति से लेकर स्थानीय राजनीति, आर्थिक, सामरिक और यहाँ तक कि पर्यावरण जैसे विषयों पर भी लिखते हैं। मैं जानना चाहता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का अनुभव कैसा आपका रहा, क्योंकि वो भी एक वो जनरेशन भी एक अलग तरह की थी। देखिए, मैं 18 साल था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, उसमें 1968 से 78 तक 10 साल इनके साथ थे, श्यामलाल जी के साथ। श्यामलाल को कोई हिला नहीं सकता था। मुझे याद है उनके ऑफिस में, मैं जब निकल एंटी रूम में जहाँ सेक्रेटरी बैठते थे, जब मैं अंदर बाहर जाता रहता था तो मैं देखता था इनविटेशंस, हैदराबाद हाउस मीट प्राइम मिनिस्टर एंड सच, राष्ट्रपति भवन फॉर डिनर हियर, ऐसे बॉम्बे में भी। और उनकी बहुत ही ख़राब हैंड राइटिंग थी, उसमें छोटे से अक्षरों में रिग्रेट। उन्होंने अपने पूरे टाइम में एक ऐसे फंक्शन में नहीं वो गए। नहीं, लेकिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया में बॉम्बे में जब रहे तो क्या उस समय के जो कॉरपोरेट, जब तो ज़्यादा कॉरपोरेट उत्ता हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उस तरह की इकोनॉमिक स्टोरीज या उस तरह के एडिटोरियल कमेंट, उस सब का या इकोनॉमी का असर क्या उस पर पड़ता था टाइम्स ऑफ इंडिया में? इकोनॉमिक स्टोरीज में बेसिकली इकोनॉमिक स्टोरीज कंसिस्टेड ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स,
बियॉन्ड दैट देयर वाज वेरी लिटिल. और वो इकोनॉमिक कॉलेज में मेन प्रॉब्लम था स्लो ग्रोथ, कॉन्स्टेंट इन्फ्लेशन, कॉन्स्टेंट फॉरन एक्सचेंज क्राइसिस, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ब्लैक मनी एंड नो एम्प्लॉयमेंट. ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में भर्ती जाओ. उस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हर साल 1.5 मिलियन से बढ़ती थी. 1961 में 7 मिलियन, 70 लाख लोग थे गवर्नमेंट में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सब कंबाइन करके. आज 190 लाख लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं. ये सिर्फ उनको अब्जॉर्ब किया जा रहा था क्योंकि कोई जॉब्स नहीं मिल रहे थे. आपने पूरा जो पैसा था, पूंजी थी गवर्नमेंट की, मुल्क की, उसको तो आप टैक्स में लेके पब्लिक सेक्टर में डाल रहे थे. पब्लिक सेक्टर में एक कौड़ी नहीं बन रहा था, पर आप डाले गए और प्राइवेट सेक्टर को आप कुछ नहीं करने दे रहे थे. तो उस वक्त तो लिबरलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी था. तो जैसे श्यामलाल जी, लाल जैन, मुलगांवकर, ऐसे जो एक्टर्स के साथ काम करने से आपको, आपका यह मानना है कि उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में उस तरह का कोई प्रेशर कभी आपने महसूस नहीं किया? ज़रा भी नहीं. मैं उस वक्त तो इंडिपेंडेंस इतनी मिली मुझे, मैं कह नहीं सकता हूँ. फिर आपने क्यों छोड़ा जो आपको एक्सप्रेस आप आए, मतलब प्रेशर से या एक नया चैलेंज था इसलिए? टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा क्यों? मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से कभी जाऊँगा नहीं. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते करते रिटायर करूँगा या मरूँगा जी. पर 1981 में मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस 1.25 साल करने के बाद, वहाँ पे वहाँ उनके पास पैसे नहीं थे. वो गड़ा उनका दम टूट रहा था. वो केसेस उनके खिलाफ रामनाथ गोयनका जी के हो गए थे. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बैंक्स ने बंद कर दिया, तो वो बाहर से पैसे ला रहे थे चलाने के लिए. तो मैंने देखा कि यहाँ पे और डेवलपमेंट, पेपर डेवलपमेंट करने का कोई गुंजाइश नहीं है. और मेरा जो कॉलम था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं बहुत मिस कर रहा था उसको. 60,000 लोग ऑन एवरेज पढ़ते थे. अमेजिंग थिंग. आई वॉन्टेड टू गो बैक. और गिरिलाल जी कहते थे तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, आ जाओ. लेकिन गोयनका के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपको? पॉलिटिकल मतलब कोई उनका कोई प्रेशर नहीं होता था? सपोर्ट. फैंटेस्टिक मैन. जब उनके बारे में माना जाता है, वो भी प्रेशर तो अपना, उनके भी कई इंटरेस्ट होते थे, प्रेशर उन पर होते थे. पर वो प्रेशर वो बेयर करते थे. एंड ही डिड नॉट अलाउ इट टू बी ट्रांसमिटेड टू हिज एडिटर्स. ही वो एडिटर्स को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे. इवन व्हेन द एडिटर्स डिसएग्रीड विद हिम. उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा अरुण शौरी के बारे में, वो तब तक एडिटर इंडियन एक्सप्रेस पे हुए थे, वो कहते थे कि ये तो बेलगाम वाला घोड़ा है, पर मैं इसे रोकूं कैसे. वो हंसते थे. लवली मैन. थिंग इज गोयनका वॉज द लास्ट मैन. ही जो प्रेशर्स गवर्नमेंट से आते थे वहीं रुक जाते थे, उससे आगे नहीं बढ़ते थे. जो देवदास गांधी जी के टाइम में, हिंदुस्तान टाइम में था, वो इन मच मोर डिफिकल्ट टाइम्स वॉज रामनाथ गोयनका. और उन्होंने इमरजेंसी के टाइम में पूरा दिखा दिया था. लेकिन इससे एक दूसरा कंट्रास्ट है, जब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के एक्सपीरियंस के बाद इतनी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में, और जब अंबानी ने सोचा कि हम अपना इकोनॉमिक अखबार निकालेंगे, तो ये जानते हुए भी कि भाई इतने लड़ाई, चूँकि आप तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी रहे, फाइनेंस सारे वर्ल्ड को जानते थे, ऐसे में एक तो उनको आपको बुला करके ये काम देना, और फिर एक बड़ा अखबार नया खड़ा करना है. ही वॉज वेरी एम्बिशियस आई नो, कि अंबानी तो ये चाहते थे ना कि पूरा मीडिया वही एकमात्र ऐसा बड़ा अखबार बन जाए जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या एक्सप्रेस सबसे आगे हो जाए. वो कैसे आपको ऑफर मिला, या उसके बाद आपने उसे स्वीकार क्यों किया? उसके बाद हुआ क्या? से मैं छोड़ क्यों लिया जी? ये आइडिया जो था ना, ये धीरूभाई जी का नहीं था, ये था अनिल अंबानी का और उनके जो सन इन लॉ है राज सरगांवकर, इनका था. वो रियल मीडिया एम्पायर बनाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, और अगर अखबार अपना हो तो कम से कम ये तो है कि एक जगह जो हम सोचते हैं, हमारी जो सोच है किसी चीज़ों में, वो अच्छी तरह छप जाएगी. उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि कोई लोग तो पूछते थे भाई आप बताइए. अब वो उनका पब्लिक रिलेशन इतना ख़राब था. धीरू भाई एक ही चीज़ जानते थे, जर्नलिस्ट को ख़रीदना, जर्नलिस्ट को समझाना नहीं जानते थे. जो लोग धीरू भाई के साथ यहाँ पे काम किए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर आप जानते हैं, वो लोग इस पे आना चाहते थे कि अब अखबार हो रहा है, मुझे हमें अब यहाँ आना चाहिए.
तो धीरू भाई ने मुझ पर बहुत प्रेशर दिया कि एक दो लोगों को वो मैं ले लूँ। मैं इनको जानता था, मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ था, पर उन्होंने बहुत प्रेशर किया, कहा कि देखिए आप ही एडिटर रहेंगे, पर ये हमारे बहुत पुराने रहे हैं, इनको आ जाने दीजिए। तो अगेंस्ट माई बेटर जजमेंट में मान गया। उसके बाद ये तो अपने आप में एक नया अखबार बहुत बड़े पैमाने पर था। इसी उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड गोइंग बहुत बड़े पैमाने, 60 जर्नलिस्ट मैंने चुन चुन के पूरे हिंदुस्तान से लिए थे। आई मीन यू नो एवरीवन फ्रॉम सुषमा रामचंद्रन, रामचंद्रन हिमसेल्फ, सुचेता दलाल, कुमार केटकर, सब ज्वाइन किए थे। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि विथ द एंट्री ऑफ दीज टू थ्री पीपल हु close to Dhirubhai, a second channel got developed. And it happened at the same time that V.P. Singh was starting his, he came to power, you know, in December 89. And they began the thing against Dhirubhai with, you know, because Goenka, Nasliwadia had saved the Indian Express by financing it when Mrs. Gandhi was trying to destroy it. ये सब हो रहा था, तो उस वक्त ये बन इनके बन गया था। एंड धीरू भाई थॉट कि ये हमारे खिलाफ होगा, और मैं फॉर वेरियस रीजन्स मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता था। वो उनको होने लगा कि मुझे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक और आदमी चाहते थे। मैंने कई दफ़ा उनको कहा कि देखिए कोई मुझे नोबडी कैन शिफ्ट माय व्यूज, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। हुआ नहीं। एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर, एक डिसीजन उन्होंने लिया था, मैंने मिनिस्टर कंसर्न को कन्वे कर दिया। वो चुप रहने के बदले वो अपने सर्कल ऑफ जर्नलिस्ट को बुला के अनाउंस कर दी कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ऐसे हम कर रहा है, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को के पर काट के मुझे ज़्यादा इंडिपेंडेंट चार्ज दे रहे हैं। तो कैसे पता लगा ये एनवायरनमेंट वाली कोई बात थी? तो कहा कि नहीं, उनके सूचना सलाहकार ने हमें अभी फ़ोन करके बताया है। तो उसका हंगामा मच गया, उनके कैबिनेट मिनिस्टर मेरा गला काटना चाहते थे। मैं तो मैसेंजर हूँ, वीपी सिंह का गला कट रहा था।